कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भीड़ व सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार व प्रशासन मैकेनिज्म तैयार कर रही है। पर्यटकों के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना सख्त अनिवार्य है। कोरोना के मानकों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों व कारोबारियों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वे सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण न फैले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। देखिए, स्वाभाविक रूप से काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी हैं उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा, और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो RT-PCR का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार इमरजेंसी में आना होता है और इमरजेंसी में आना होता तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है, तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट ने इंटर स्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफ़ी गिरावट भी आई है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जो SOP है उसका पालन हो, टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के जो SOP का पालन में सहयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।